जनपद में शारदा कार्यक्रम के चलते ड्रॉप हुए विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रथम बैच में 98 शिक्षक शिक्षिका मौजूद रही। वे प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनर राजेश कुमार ने प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को समझाया कि ड्रॉप आउट बच्चों को किस प्रकार विद्यालय ले जाकर उनका नामांकन कराते हुए शिक्षा प्रदान की जा सकती है। देखिए, स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य सम्माननीय आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। मानसा यह है कि लोकतंत्र में जो वोटिंग राइट होता है बहुत महत्वपूर्ण राइट होता है और इसी के आधार पर आगे सरकार का निर्धारण होता है, तो लोग अपने इस अधिकार का उपयोग करें। वहाँ सबसे पहली चीज़ है कि वोटर लिस्ट में इस समय रिवीजन का काम चल रहा है, अपना नाम देखने के अगर नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो उसमें शामिल करा लें। उसके लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, फॉर्म 6 भर करके अपने DLO को दे दें या अपने संबंधित तहसील पर VRC सेंटर होता है वहाँ दे दें तो नाम बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे जैसे ही आयोग द्वारा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी तो चुनाव कराए जाएंगे, तो लोगों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि अपने वोटिंग राइट का उपयोग करें। खासकर अभी वोट बढ़ाने की अगर हम बात करें तो महिलाओं का प्रतिशत अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है और उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो युवा मतदाता 18 से लेकर 20 साल के हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अपना नाम बढ़ाएं। इसके लिए विभिन्न जो हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं उनसे हम लोग समन्वय कर रहे हैं कि लोगों का नाम बढ़ाया जाए और हर परिवार से हम लोग प्रमाण पत्र भी इस बात का ले रहे हैं कि आपके परिवार में सभी लोग वोटर हैं कि नहीं। तो ये सारी कवायद इसीलिए की जा रही है कि लोग अपने मतदान के अधिकार के महत्व को समझें, वोटर लिस्ट में अपना नाम सम्मिलित कराएं और जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषणा चुनाव तिथियों कर दी जाए तो अपने वोटिंग राइट का उपयोग करें। और ये अभियान पूरे जनपद में काफ़ी अच्छे ढंग से चला जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षण पाकर शिक्षक भी खुश नजर आए।